आज हम आए हैं अपनी एक फरारी लेके। तो ये भी इसको यहाँ से गुजारना पड़ेगा। अभी देखते हैं ये यहाँ से गुजरती है कि नहीं। बस जिसका डर था मुझे वही। अरे 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 भाई साहब, सारी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया इस ट्रेन ने। पर अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अब जाके सर्विस स्टेशन पे, मतलब कि जो हमारा रिपेयरिंग सेंटर है वहाँ पे इसको सही करवाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या उसने हाल कर दिया। एक साइड से तो उसका सारा कुछ ही, मतलब बॉडी अंदर वाली साइड पे चले गई है। अरे भाई साहब, ये अब इसने क्या, अब इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने वाला फ्रैंकलिन का। तो खैर अभी चलते हैं हम पहले इसके रिपेयरिंग सेंटर, वहाँ जाके गाड़ी नहीं करवा देंगे। ये पास में ही है, मैं पहले मार्क लगा लेता हूँ एक दफ़ा यहाँ पे करके। तो अभी मुझे जल्दी से वहाँ पे जाना पड़ेगा यार, ये इसका ना इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। तो हम आ गए थे रिपेयरिंग सेंटर, तो वहाँ पे उन्होंने हमें कुछ टाइम दिया था। तब तक फ्रैंकलिन वगैरह, फ्रैंकलिन फ्रेश हुआ था, तो अभी उन्होंने हमारी गाड़ी चमका दिया। ये देखो भाई साहब कितनी प्यारी लग रही है यार। तो अभी इसको लेके निकलते हैं। मुझे माइकल की कॉल भी आई है, तो उसने मुझे बताया कि उसको लेस्टर ने किडनैप कर लिया, उसको और उसकी वाइफ को। वो अपनी लैम्बर्गिनी पे कहीं जा रहा था, तो रास्ते में से लेस्टर ने और लेस्टर के बंदों ने उसकी वाइफ को और उसको किडनैप कर लिया। तो अभी हमें उसी जगह पे जाना है जहाँ पे वो लोग हैं, और वहाँ पे उनको किसी ना किसी तरह मार के उन लेस्टर वगैरह को छुड़ा के लेके आना। तो गाइज मैं आपको लेस्टर की लैम्बर्गिनी दिखाने वाला हूँ, कितनी प्यारी है उस बंदे के पास। तो हम उसे मैं आपको जाके ही दिखाऊंगा। तो अभी मैं पहले चेक कर लूँ मेरे पास कितने एमओ वगैरह, मेरी गन सही है ना। तो गन वगैरह सारा कुछ सही है, तो अभी मुझे पहले जल्दी से वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा ताकि मेरे लिए वो, अगर हम लेट हो गए तो बड़ा काम ख़राब होने वाला है। तो गाइस आपको फरारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो अभी मुझे जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी तो हम इस शहर के अंदर अंदर हैं, लेकिन वो बाहर वाली साइड पे है कहीं, उसका कोई विला टाइप है, तो वो उस जगह पे उसने उनको रखा हुआ है। तो अभी मैं ये निकल आया हूँ बाहर वाली साइड पे। अभी मुझे ना इस तरह ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, जहाँ जिस तरह हमारे इस पाकिस्तान में मरी वाली साइड पे आना, उसी तरह ही ये इस साइड पे है। मतलब अभी हमें ऊपर, काफ़ी ऊपर जाना, ऊपर जाके हमें मतलब उसका विला कहीं ना कहीं नज़र आया। अरे मैं थोड़ा सा गलत आ गया, यहाँ से हमें राइट होना था, तो अभी मैं राइट लेफ़्ट होना था, तो लेफ़्ट होके यहाँ पे निकल आया हूँ। तो उसने मुझे लोकेशन भी कुछ इस तरह की भेजी है जिसपे कुछ समझ नहीं लग रही, और कुछ ये रो, अरे यार कितनी मुश्किल से बचा यार ये हिरन इस साइड पर इतने ज़्यादा है ना कि यहाँ पे इनकी समझ नहीं लगती, कहीं से भी निकल आते हैं। तो मुझे इनसे, इनको भी बचाना पड़ेगा ताकि ये मेरी गाड़ी को भी डैमेज ना करें। तो यहाँ से मुझे आराम से जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो मतलब जो रोड्स वगैरह ना, उनकी मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। और गाइस अगर ये आपने लेफ़्ट साइड पे एक ठेले वाला देखा है जो मतलब कि फ्रूट्स लगा के बैठा है, तो वापसी भी हम इनसे लाजमी लेंगे फ्रूट। तो अभी मैं फिर आगे निकल आया हूँ। ये जो बैक साइड वाला गेट है ना, इसके अंदर ही हैं वो लोग, तो मुझे अभी राम से गेट खोलना पड़ेगा ताकि उनको पता ना लगे। तो गाइस ये गाड़ी इतनी ज़्यादा, इसकी ग्राउंड क्लियरनेस इतनी कम है ना कि ये हल्के से फुटपाथ पे भी लग, अरे ये देखना, अरे लग ही गई ना, मैंने आपको पहले बताया इसी वजह से ये रेलवे ट्रैक पे नहीं चढ़ी। तो अगर आप मुझे कहोगे तो मैं इसको ऊपर करवा लूँगा, लेकिन अगर मैंने इसको ऊपर करवाया तो इसकी जो स्पीड है ना वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इसलिए आप मुझे बताना, अगर कहोगे तो मैं करवा लूँगा। तो इसमें जितना भी नाइट्रो था ना, हमने आज वो सारा यूज़ कर ही लेना है की दफ़ा। तो गाइस ये सामने वो लोग खड़े हैं, तो मैं अभी स्नाइपर से देख लेता हूँ। हाँ ये देखो यार, इसके बॉडीगार्ड कितने ज़्यादा मतलब बॉडी बिल्डर टाइप हैं, तो मुझे इनसे भी अपनी गाड़ी बचानी है। तो मैं अपनी इस फरारी को यहाँ पे साइड पे खड़ा कर देता हूँ ताकि इसको कोई डैमेज ना हो, क्योंकि अगर अब इसको कोई को कुछ भी होने वाला है तो मैं इसके सारे पैसे माइकल से लेने वाला हूँ। अब हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम इसी पे लगाते रहें, तो मुझे यहाँ से पहले ऊपर वाली साइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने नीचे से इनको मारना शुरू किया ना तो ये सारे मुझ पे एकदम हमला कर देंगे और हमसे फिर संभाला नहीं जाएगा। तो मैं इसलिए ऊपर से इनसे इन पे स्नाइपर से गोलियाँ मारूँगा ताकि इनको भी समझने लगे कहाँ से गोलियाँ चल रही हैं, और मैं एक एक करके सबको मार ही दूँगा आराम से। अरे पहले मारते हैं सबसे ऊपर वाले को, फिर मारते हैं, अरे बच गया, चल तू निकल,
गाइस कितनी प्यारी गाना है यार, एक ही शॉट में दो बंदे इकट्ठे। तो अरे तू रह गया, तू भी मार, तू भी निकल, तू किस साइड पे छुपा हुआ है, तू भी निकल। ये आई थिंक लास्ट है, बच गया था, इसको हमने मार दिया। नहीं गाइस ये बच के फिर आ गया, चल तू भी। ये अभी भी उसको मार रहा है, इसको अभी भी बाज नहीं आया, तेरी ऐसी की टैसी। अभी हम लेस्टर को नहीं मारेंगे, इसके पास क्योंकि गन नहीं है। तो अरे ये बच गया था, चल निकल। ये भी इसके साथ भी खड़े हैं, ये मतलब इनका बॉस है जो सबसे बड़ा है, इसके पास भी गन नहीं है, इसलिए अभी हमने इसको भी नहीं मारा। इसको भी नीचे जाके इसका कोई हल करते हैं। तो अभी मुझे जल्दी से नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके लेस्टर से पूछना पड़ेगा कि इसने ऐसा क्यों किया। तो गाइस मुझे अभी नज़र आया कि लेस्टर के पास भी गन है, तो मैंने लेस्टर को भी मतलब उसके पाँव पर गोली मार दी। हम लेस्टर को मारेंगे गाइस। बैक साइड पर जो बैकग्राउंड की जो वॉइस है, यहाँ पे बिल्कुल पास में एयरपोर्ट है, तो इस वजह से आवाज़ आपको इस तरह में आ रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम अपनी गाड़ी लेके उसके पास चलते हैं और वहाँ पे जाके माइकल के पास खड़ी करते हैं। तो अरे ये जो बैक साइड पे खड़ा ना, ये है इनका बॉस, तो इसको भी देख लेते हैं ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो अभी मुझे पहले इनकी ये गन कलेक्ट करनी पड़ेगी, और इसको मैं पहले एक में बताता हूँ, इसके मुझे पाँव पे ऐसी गोलियाँ मारनी पड़ेंगी ताकि आइंदा ऐसे ही कोई काम करते हुए 100 बार सोचे, तेरी ऐसी की टैसी। इसके बंदे भी अभी आते होंगे ताकि किसी को बताए ना, तो ना यहाँ इधर से भाग ना पाए। तो पहले इसको मार ही लेते हैं, इसके पाँव पे आज हम इतनी गोलियाँ मारेंगे मतलब इसकी टांग पूरी तोड़ देंगे ताकि चलने के काबिल ना रहे। एक सेकेंड, अब मुझे इसकी दूसरी टांग भी मारनी पड़ेगी। चलो गाइस अब किसी भी वक्त इसके जो गार्ड हैं वो आते ही होंगे। तो अब मुझे लेस्टर की इस लैम्बोर्गिनी को नीचे उतारना है। गाइस आप चेक कर सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है ये, इसने निकल कलर करवाया है, इसको क्रोम कलर जिसे कहते हैं ना, ये वो कलर है। तो अभी पहले मुझे इसको नीचे उतारना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से ट्रक में चढ़ जाता हूँ और इसको आराम आराम से। ये बैक साइड पर ना एक बेल्ट है जिसकी जो मतलब जिस जो खुद ब खुद चलता है। अरे मुझे आराम से पहले नीचे उतारना पड़ेगा नहीं तो ये बड़ी बुरी गिरने वाली। अरे आराम से, अरे होगी गाइस बस तकरीबन हो ही गई है। तो अब मुझे बैक साइड पर जाके उसकी गाड़ी को उतारना पड़ेगा नीचे खुद ही। तो ये बेल्ट है जिसके ऊपर से तो गाड़ी खड़ी करो और उसके बाद जाके गाड़ी खुद ब खुद मतलब ऊपर ले जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस पर चढ़ा के भी गाड़ी। लेकिन गाइस गाड़ी का कलर देखें आप कितना प्यारा है। आपको इस ये कलर अच्छा लगा तो मुझे लाजमी बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे बताना, मैं माइकल से इसको ख़रीद लूँगा, पर माइकल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम माइकल के पास चलते हैं। सो गाइस इसकी जो वाइफ है ना वो ये गाड़ी मतलब लैम्बोर्गिनी जो है इसको ले जाएगी खुद ही जो माइकल वाली है। तो अभी मुझे माइकल को ले यार इस साइड पे आई थिंक स्क्रैच आ गया, लेकिन कोई इशू नहीं है। अभी मुझे माइकल को लेके अपने घर पे जाना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी इस टॉपिक पे बात करनी है कि इनका हमें क्या हल किया जाए, कि इनको अब किस तरह मारा जाए। क्योंकि ये गैंग, ये उसके कुछ बंदे थे, अभी इसके पीछे जो इनका बड़ा हेड है ना वो अभी कहीं और है, तो हमें पहले उसको भी ढूंढना, उसको मारना। तो मैंने माइकल से बात कर लिया, वो मेरे साथ जाएगा, तो उसकी वाइफ उसकी अपनी गाड़ी ले जाएगी। तो माइकल बैठ गया, तो यहाँ से हम निकलते हैं अब जल्दी से। तो हमें अब जाके सिर्फ इसी टॉपिक पे प्लान बनाना है कि हम उस बंदे को किस तरह ढूंढें और उससे किस तरह बदला लिया जाए, उसके घर पे जाके उसको किस तरह मारा जाए। तो अभी यहाँ से निकलते हैं पहले, तो फिर जाके ही कोई प्लान बनेगा। तो अभी मुझे सच याद आया, हमें रास्ते में से फ्रूट्स भी लेने थे। मुझे लग रहा था कि आप भूल जाओगे, लेकिन मैं नहीं भूला, ये वो वही है। अरे मैं मुझे लग रहा था मैं फिर आगे निकला। गाइस इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है ना कि इसमें कुछ समझ में लग, तो मैं अभी घर का लगा ही लेता हूँ, मार्क लगा लेता हूँ ताकि हम कहीं इधर उधर ना निकलें। तो अभी हम ये आ गए हैं इस फ्रूट्स वाले के पास। तो ये गाइस हमने ले लिए थे फ्रूट्स और माइकल ने भी कुछ लिए हैं। तो गाइस अगर आपको पता हो कि इसकी जो मतलब डिग्गी होती है वो आगे बोनट वाली साइड पे ही होती है, मतलब जहाँ पे हमारी गाड़ियों की इंजन होता है ना वहाँ पे इनकी डिग्गी है, तो इसलिए मैंने आगे से ही वो सारा फ्रूट्स वगैरह उसमें रख दिया। तो अब यहाँ से हम जल्दी से निकलते हैं और सीधा चलते हैं फ्रैंकलिन के घर, ताकि वहाँ जाके हम कोई प्लान बना सकें। और फ्रैंकलिन का घर आपने तो अभी तक नहीं देखा होगा जो इसको नया लेके दिया माइकल ने, तो अभी हम जाएंगे आपको वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद अरे मैं किस साइड पे आ गया, अच्छा चलो नीचे वाली साइड से चलते हैं
यहाँ से जल्दी, अब हमें जिस तरह हम चढ़ाई चढ़ के ऊपर आए थे, अब उतनी चढ़ाई चढ़ के हमें, मतलब उतनी चढ़ाई उतर के नीचे हमें जाना। तो अभी हम ये शहर के अंदर तो एंटर हो गए हैं, और मुझे पहले बड़े आराम से चलना पड़ेगा। अरे अरे बच गया, आज जितनी भी इसमें नाइट्रो ना, हम यहाँ पे इसमें मतलब क्या सारी ख़त्म करने वाले। अरे ये बीच में ही लाड़े हैं, मुझे इनको पहले बताना पड़ेगा। इनको भी यार कोई तमीज़ नहीं है, थोड़ा साइड पे। अरे तू सब्र कर, तू एक लड़की के साथ लड़ रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू भी निकल, तुझे कितना शौक है इनके साथ लड़ने का। इसको तो हमने मार ही दिया, इसको पता ही नहीं है यार बीच में सारा लाड़े होते हैं। और माइकल पता नहीं किधर बार बार उतर जाता है। तो अभी मुझे यहाँ से अब जल्दी से निकलना पड़ेगा। अभी मैं आपको फ्रैंकलिन का घर दिखाता हूँ जो इसने इस शहर के अंदर लिया है। ये थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पे जाएंगे और ये बिल्कुल साथ में ही है जो फ्रैंकलिन का घर है। ये बस लास्ट ये वाली चढ़ाई हमें चढ़नी है, और ये वाला घर है फ्रैंकलिन का। तो ये इसने नया लिया था थोड़ा सा शहर से बाहर वाली साइड। अरे यार ये कौन हमारे गैराज में बार बार गाड़ी लगा देता है? मैंने इतनी दफ़ा इसकी गाड़ी बाहर निकाल के खड़ी की है, पर ये बंदा फिर अंदर वाली साइड पे लगा देता है। इसको इसका तो आज कोई ना कोई हल करना ही पड़ेगा। तो इसको पहले लगाते हैं रोड के ऊपर, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अब मुझे इसको फोड़ना पड़ेगा, किससे? इस बम से फोड़ते हैं, इस ग्रेनेड से मुझे इसको फोड़ना पड़ेगा ताकि ये बाद में कभी आ ना सके। चल निकल, हमने इसको भी उड़ा दिया, हमारी बाइक भी उड़ गई, पर कोई दिक्कत नहीं, हम माइकल को कहेंगे हमें ले दे। और क्योंकि यार इस गैराज के अंदर एक ही गाड़ी लग सकती थी। अरे ये क्या हुआ? आई थिंक ये भी ब्लास्ट होगी, पर कोई दिक्कत नहीं, हो इतनी महंगी नहीं थी। तो इस गैराज के अंदर एक ही लग सकती थी गाड़ी, तो इस वजह से हमने अपनी गाड़ी लगानी थी, उसके बगैर गेट बंद नहीं होना था। तो अभी अंदर चलते हैं और कुछ मीटिंग वगैरह करते हैं, तब तक करें आप वीडियो को इंजॉय। और इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। माइकल तू तो बाहर आ जा, तू गैराज में छुप गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।